सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग और महाराष्ट्र सरकार के रवैये के विरोध में करनी सेना ने आज एनसीपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एनसीपी के नेता का पुतला फूंका। वहीं एनसीपी कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह ने यह बताया कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार के इशारे पर बिहार की पुलिस को तंग किया जा रहा है और जांच नहीं करने दी जा रही, उसका हम विरोध करते हैं और एनसीपी के शरद पवार को चेतावनी देते हैं। हर हाल में सुशांत को न्याय दिलाया जाए और इसके लिए करनी सेना चरणबद्ध आंदोलन करेगी। 14 तारीख को सुशांत जी की हत्या की गई। हत्या के बाद जो है लगातार हर मंच से, हर जगह से, हर संगठन के द्वारा देश के करोड़ों उसके जो है सो चाहते हैं, चरों फॉलोअर हैं उनके द्वारा, पूरा भारतवर्ष के राजपूत समाज के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है उनकी हत्या पर। और महाराष्ट्र सरकार जो है सो बता रही है कि जांच हो रही है। अरे क्या जांच करेगी महाराष्ट्र सरकार जो 45 दिन के अंदर में FIR तक लॉन्च नहीं कर पाती है, उस महाराष्ट्र सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी देखिए हमारी मांग क्या कर रहे हैं आप। अभी बिहार सरकार जो है, यहाँ हमारे यहाँ प्राथमिकी दर्ज हुई और महाराष्ट्र में जब हमारा पुलिस हमारा जाता है बिहार का, तो उसको जो है सो वहाँ गिरफ्तारी कर ली जाती है। वहाँ पर जो है सो कोई सहयोग नहीं किया जाता है, जबकि कानूनन जो है किसी भी राज्य किसी भी देश के किसी कोने में कोई पुलिस अफसर जाके तब से हम छान भी सकता है। अगर गिरफ्तारी की बात होगी तो देन दे विल हैव टू टेक द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, बट लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सहयोग के बदला उसने गिरफ्तारी कर लिया। हम बताना चाहते हैं शरद पवार को, हम कहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी को कि महाराष्ट्र जो है इस भारतवर्ष का एक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारा है मुंबई, महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जागीर नहीं है, उसकी पपौती नहीं है। और अगर यह हरकत रहा बिहार वासियों के साथ, अगर यह हरकत रहा हमारे पुलिस कर्मियों के साथ, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आके और करनी सेना पूरे भारतवर्ष में के सारे लोगों को इसको विरोध करेगी। और अगर हम लोगों ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र चलो और देश का एक एक करनी सैनिक अगर महाराष्ट्र पहुंचेगा तो उन लोगों को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारा कहना है, माननीय नीतीश कुमार जी से भी कहना है कि नीतीश जी इस राज्य का बेटा गया है, इस देश का बेटा गया है, उसका आप निश्चित रूप से आज आपके यहाँ प्राथमिकी दर्ज हुई है। आज पूरे देश का निगाह, राजपूत समाज का निगाह, उसके करोड़ों फॉलोअर का निगाह आपके आपके ऊपर है। आप आगे आइए और CBI को, आपके पास अथॉरिटी है, CBI को उसकी जांच दीजिए। आप उन लोगों के आप इस कोकर से मत फंसिए। आप बार बार कहा जाता है कि उनका परिवार लीक कर देगा, ये लीक कर देगा, तो ऐसा किया जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आदरणीय मैं मुख्यमंत्री महोदय कि आपके पुलिसकर्मी की आज जो अवहेलना हुई है, जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसका भी एक बदला लेने का समय है। उसको भी आपको सोचना चाहिए, उस पुलिस ऑफिसर्स की भी मर्यादा को आपको सोचना चाहिए और बिहार का भी मर्यादा को सोचना चाहिए। बिहार वासी ऐसे नहीं है कि कोई भी जो है आके उसके अस्मिता के साथ खेल के जाए, ये चीज नहीं है। मैं अपने आदरणीय ऐसा सभी माननीय प्रधानमंत्री से ही मैं कहना चाहूँगा कि भाई इस देखिए शत्रुघ्न सिन्हा ने इसका आवाज़ उठाया, रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसका आवाज़ उठाया, तो इस सभी यादव ने आवाज़ उठाया, चिराग पासवान ने किया। आज आपके नीतीश सरकार के भी आप BJP के कई सांसद और मंत्री हैं जो आज CBI की जाँच की मांग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है। अरे पूरे देश के राष्ट्र का जनता करो लोग क्या मांग रही है आपसे। आपसे तो बस एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है कि मेरा क्यों बेटा गया है। जीते जीते तो हम लोग उन लोगों को बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज हम लोग उसको सच्चा न्याय देंगे। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।